नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ अगर बात की जाए उसके एग्जाम कैलेंडर को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 30,000 पदों पर यूपी टीजीडी बिजली शिक्षक भर्ती को लेकर, टीजीडी बिजली एग्जाम को लेकर शिक्षा आयोग के बयान के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं JSTET की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इन सॉल्व पेपर की आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक में हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। डिटेल में कवर करने के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। PBS या क्वेश्चन के साथ में एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को रखा गया है। थ्योरी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और इसमें पूरी थ्योरी को डिटेल में कवर किया गया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। और थ्योरी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला और व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आप सभी को मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिसको आप लेकर के परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और भी तमाम ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट chakshubook.com से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपके नज़दीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। आज ही परचेस करें अपनी बेहतर तैयारी के लिए। वापस आते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल की तारीख में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, क्योंकि जब से आयोग का कहीं ना कहीं गठन का प्रोसेस शुरू हुआ है साल 2017 से, 2024 आते आते लगभग आप कह सकते हैं कि 5-6 साल हो चुके हैं इस भर्ती नए शिक्षा आयोग को बनने में। अब जब नया शिक्षा सेवा आयोग बना तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात आप सभी को देखने के लिए मिली कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होने के साथ ही उन्होंने उनका वेतन बढ़ाने का, यानी कि पैसे बढ़ाने का, दूसरे शब्दों में कहें तो सैलरी बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं CM योगी को भेज दिया। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इनका गठन इसलिए किया गया था कि ये भर्तियों को लेकर काम करेंगे और छात्रों की बेरोजगारी को दूर करेंगे। अब इनको तो रोजगार मिल गया, लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने तो प्रस्ताव भेज दिया कि भाई हमारा वेतन बढ़ा दो, लेकिन क्या ये भर्तियों को लेकर कुछ कर रहे हैं? तो इसी को लेकर अब नया शिक्षा सेवा आयोग कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से अब एक्शन में है। और कल मैंने आप सभी को एक वीडियो भी दिखाया था जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहने के किए गए धरना प्रदर्शन में सचिव जी खुद आते हैं और सचिव आकर के हाथ जोड़ करके अभ्यर्थियों से निवेदन करते हैं। निवेदन के साथ साथ उनके माध्यम से कई बड़ी बातें भी कही जाती हैं। अब ये बड़ी बातें इसलिए हैं क्योंकि आयोग है और इसके अलावा सरकार के अधिकारी हैं, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारी हो या सरकार, अभ्यर्थी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि भर्तियों को लेकर बयान तो आते हैं लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो पाने से अभ्यर्थी और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अनाउंसमेंट की जाती है भर्तियों को लेकर लेकिन विज्ञापन ना आने से अभ्यर्थी और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इको देखने के लिए मिला होगा, है ना, वो सही हो गया है, डोंट वरी, आगे नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है धरना प्रदर्शन और इसके अलावा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। और अगर बात की जाए कल हुए धरना प्रदर्शन के बारे में तो कई अलग अलग प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से इसको कवर भी किया गया। 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार लिखा हुआ है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की और DLED BTC डिग्री धारक बेरोजगारों के माध्यम से नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एलनगंज परिसर के अंदर अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 के बाद से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 4 साल से पहले ही अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में ये बात स्वीकार की गई थी कि 51,112 पद खाली हैं और उसके बाद हर साल 97,000 शिक्षकों के पद खाली हो जाते हैं। वर्तमान में कम से कम 97,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तत्काल कहने की 97,000 पदों पर भर्ती शुरू की जाए। आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय और नवल किशोर ने
बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हित में शीघ्र कदम उठाने जा रही है। अफसरों के आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। प्रदर्शन करने वाले DLED संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभ्यर्थियों के माध्यम से, जिनके नाम लिखे हुए हैं, रजत सिंह, इसके अलावा राहुल यादव, लवकुश मौर्य, विशु यादव और भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इनके अलावा वहाँ मौजूद थे और इनके नेतृत्व में आज ये धरना, कल ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। और सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात ये रही कि अभ्यर्थियों का जो फोकस था वो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर था, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर। तो कल की तारीख में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हुए धरना प्रदर्शन के बाद सचिव उप सचिव थोड़ा एक्शन में हैं। उन्होंने आकर के कहा कि हम जल्द ही भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू करेंगे और आने वाले समय के अंदर जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने उनको लेकर भी सरकार से कहने की संवाद करेंगे, इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर एक बार भर्ती शुरू हो गई तो उसके बाद में जो भर्ती के विज्ञापन है वो लगातार आते रहेंगे, चाहे उसकी परीक्षा कराना हो, विज्ञापन जारी करने हो या इसके अलावा अन्य और भी कुछ। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये वादे और दावे कितने सही साबित होते हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए TGT PGT एग्ज़ाम को लेकर भी, तो आप जानते हैं कल सचिव के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है कि जल्द ही वो TGT PGT संबंधित और भी तमाम परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, जिससे कि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार जल्द समाप्त हो। लेकिन अगर बात की जाए UP TGT PGT को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। इंटरव्यू लिस्ट में नाम न होने पर भी दो अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हो गए चयनित। एक तरफ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री CM योगी इस बात का दावा करते हैं कि भर्तियों में पारदर्शिता है, समझ के परे ये है कि या तो उनको जो दिखाया जा रहा है वो गलत देख रहे हैं या जो हम देख रहे हैं वो गलत है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं छप रही है कि ये कहा जाए कि भर्तियों में पारदर्शिता है। चाहे वो कोई भी भर्ती उठा करके देख लो, अब तो इतनी भर्ती हो गई है कि एक का नाम लेना भी गुनाह कहा जाएगा, क्योंकि भर्ती हर भर्ती में घोटाला हो रहा है, हर भर्ती में पेपर लीक जैसी जानकारी आती है, किसी को सरकार मानती है किसी को नहीं मानती है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक नया मामला सामने आ गया कि भाई मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ना होने पर कैसे चयनित हो सकते हैं, जबकि नियम तो यही कहता है कि आप परीक्षा दो, परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू परीक्षा हो जाने के बाद आपका चयन होगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है UP की TGT PGT भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सदन में उठा माध्यमिक विद्यालय तदर्थ शिक्षकों को हटाने का मुद्दा। विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत MLC राज बहादुर चंदेल ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2200 हटाए गए 2200 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को मुद्दा उठाया। कहा कि इन शिक्षकों के रखने की कोई दिक्कत नहीं है, नई शिक्षा सेवा आयोग ने अभी तक अध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई है। उन्होंने कहा माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 के समथिंग जो पद है वो खाली है, जैसा कि लिखा हुआ है, यानी कि TGT PGT की बात की जा रही है, माध्यमिक विद्यालय यानी कि TGT PGT, और उनके अंदर पद कितने खाली हैं, 30,000। भर्ती कितने में निकालते हैं, 4,163। समझ के परे यह है कि 30,000 पद खाली होने के बाद भी बेरोजगारों को 4,000 पदों का लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? क्या वो उनके माता पिता इस उम्मीद को लेकर छोड़ दें कि उनको नौकरी मिलेगी? लाखों रुपए खर्च किए उन्होंने BEd BTC करने में, नौकरी के लिए उनको धरना करना पड़ता है, पद आपके पास खाली हैं लेकिन विज्ञापन निकालने नहीं है। तो ये है आपके TGT PGT के हालात कि पदों की संख्या तकरीबन 30,000 है, तदर्थ शिक्षकों को हटाने के लिए उनकी बच्चों को पढ़ाई क्यों प्रभावित हो रही है? इस पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इसी क्रम में 8 जुलाई 2024 को सेवा समाप्त होने वाले तदर्थ को मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जल्द मैं आप सभी से एक बार फिर से हाजिर होऊंगा कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।